जब क्रिटिक्स की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस मिल जाए, आईएमडीबी रोटेन टोमेटोज पर हाईएस्ट रेटेड मूवी की रेटिंग मिल जाए, तो जाहिर सी बात है कि फिल्म के व्यूअर्स को एक्सपेक्टेशन तो होती ही है। पर मेरा किसी भी फिल्म को देखे बिना कोई ओपिनियन नहीं होता। हालांकि पार्ट वन बहुत सही था, बट कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन ड्यून 2 को देखने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि यार, इट्स अ ऑल राउंड एक्शन एडवेंचर लव ट्रेजिक मिस्ट्री साइंस फिक्शन फ्लिक जिसका वेट करना वर्थ इट था। ओवरऑल इट्स अ बिग एंड बोल्ड मूवी। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो ग्रेग फ्रेजर इज सुपर। स्टोरी, डायलॉग एंड स्क्रीन प्ले बाय डेनिस विलेनेव्यू, जॉन स्पेट्स इज अमेजिंग। और जो वॉकर की एडिटिंग ने इसको आसमान पर पहुंचा दिया। एक ऐसी फिल्म जिसको देखकर आप फैंटेसी में खो जाओगे। आपको ऐसा फील होगा कि आप फिजिकली ड्यून में ही चले गए हो। टेक्टोनिक स्पेसशिप्स, सैडिस्टिक विलन्स, एक ऐसी मैजिकल ओडिसी जिसमें आप सिर्फ एक व्यूअर नहीं बल्कि एक पार्टिसिपेंट बन जाते हैं। कास्टिंग तो फिल्म की अट्रैक्टिव है ही। टिमोथी कैमेलेट, ज़ेंडाया, रेबेका फर्गसन, ज़ावियर बारडेम, जॉश ब्रोलिन, ऑस्टिन बटलर, क्रिस्टोफर वॉकन एंड डेव बटिस्टा। फ्रैंक हार्बर्ट का लेजेंडरी लिटरेचर एक मूवी में तब्दील होते देखना ऐसा है जैसे किसी इम्पॉसिबल टास्क का सालों के बाद एंड होना। ड्यून पार्ट 2 एक ऐसा पीस ऑफ आर्ट है जो अक्सर हमें देखने को नहीं मिलता। पर जब भी ऐसा कुछ आप विटनेस करते हैं कि साइंस फिक्शन जॉनर में, आपको डेकेड्स तक देखने को नहीं मिलेगा। ये एक अनइमेजिनेबल और इंस्पायरिंग सिनेमैटिक मास्टरपीस है ये फिल्म। जहां एक्टर्स की बात करें तो ऑस्टिन बटलर का वो विलेनियस रोल फेयर ड्रू था वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैरेक्टर परफॉर्मेंसेस में से एक मानूंगा मैं इसको। ड्यून 2 इज अ अल्टीमेट टेल ऑफ रिवेंज। एक रिच स्टोरी के साथ साथ इंटेलिजेंटली क्राफ्टेड एडेप्टेशन है ये फिल्म। एक लंबे रन टाइम के बावजूद भी एक एक सीन ऐसे इंटेंसली सेट पीस है कि जहां स्टोरी में कमाल की डिटेल्स हैं जिससे आप कॉन्स्टेंटली एंगेज रहेंगे। इस फिल्म का सबसे खास बात यह है कि इस फिल्म को देखकर आप फील करोगे कि ये वो सिनेमा है जिसके लिए बिग स्क्रीन्स बनी है। अभी 2024 शुरू ही हुआ है, बट मैं अभी से कह रहा हूँ ये 2024 की मूवी ऑफ द ईयर है। तो ये था मेरा ओपिनियन। बाकी आप लोग अपने ओपिनियंस मेरे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।